उंगली उठाना मेरा व्यक्तिगत राय है कि इतना बड़ा अपराध है देशद्रोह के समान, इसलिए सेना के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। यदि आप सबूत मांग रहे हैं इसका मतलब है आप सेना पे शक, तो बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। यूपी में जो चल रहा है, जिन लोगों के हाथ में प्रदेश की बागडोर है, वो आपस में परिवार का ही झगड़ा इतना हो रहा है कि एक दूसरे की साइकिल पंचर कर रहे हैं, तो उनके आपस में ही कुनबे में इतनी फूट हो रही है कि एक दूसरे की साइकिल को पिन चुका है। तो क्या भविष्य और क्या वर्तमान है ये सब दिखाई दे रहा है। मैं उनके पास प्रदेश में रहता हूँ, मैं उनके पास देश में रहता हूँ। नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, जो नेतृत्व है वो इतना कमजोर है कि आम कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको कोई विश्वास नहीं। इसलिए जब जो पार्टी नेतृत्व विहीन हो जाए या जिस पार्टी के नेतृत्व के प्रति कार्यकर्ताओं का अविश्वास हो जाए, उस पार्टी का भविष्य तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो कोई भी बने, कमलनाथ जी बने, सिंधिया जी बने या कोई भी बने, कोई फर्क नहीं।